रायपुर में तीसरे चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा के आधे से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। अब तक देश की 283 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद अब भाजपा के दिग्गज नेताओं को दूसरे राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जा रहा है। इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमें हमारी जिम्मेदारी अब दूसरे राज्यों में पूरी करनी है। वहीं उन्होंने मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर कहा कि आशा से थोड़ा कम मतदान हुआ है, मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण की जरूरत है। तीन चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद गृह मंत्री का कहना है कि अब तक 100 सेशन पर भाजपा जीत हासिल कर चुकी है। सूची में नाम जोड़ना और उनका वापस आना। सभी भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों में पार्टी की सेवा के लिए, अन्य पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए हम लोग सब जाएंगे। आने वाले 2 दिनों में सबकी योजना निर्धारित हो जाएगी। मैं आपसे ना एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, शहरी क्षेत्रों में विधानसभा में अभी आपको कम मतदान ऐसा दिखा होगा, परंतु इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो जो प्रथम मुझे ये समझ में आता है कि अभी हमारे मतदाता सूची के मदर रोल को फिर से बनाने की आवश्यकता है, मूल मतदाता सूची जिसको कहते हैं उसको फिर से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का आना, उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है। मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है, इसलिए वो कुल मिलाकर मतदान कम दिखता है, ऐसा मैंने देखा है। और दूसरा मसला ये है कि गाँव में तो उत्सव के जैसा होता है, 300 सीटों में मतदान के आधार पर बहुत बड़ी संख्या भाजपा, पूरा आकलन तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बड़ी संख्या भाजपा के तरफ से होने वाली है। दूसरे चरण के मतदान के बाद लगभग 100 सीटें भाजपा की बन रही है। पिछली बार भी यूपी में काबा ये चला था और भूपेश बघेल जी गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था, तो इस बार भी अगर वो यूपी जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। और मैं सोचता हूँ कि उनकी छवि के साथ जब वो जा रहे हैं तो शायद, देखिए क्या होता है, परंतु जनता में तो कुछ नकारात्मक